एल्टी ग्रेड 2018 संडे को ये पेपर हुआ था और पेपर में क्वेश्चंस उसके बारे में जिन्होंने दिया पेपर वो जानते होंगे कि पेपर में टाइम बहुत कम था और जीएस के क्वेश्चंस भी आए और मैथ्स के 120 क्वेश्चंस थे और जीएस के 30 क्वेश्चंस थे। 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करना टफ हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी गई हो तब भी 150 क्वेश्चंस करना टफ है। उसको देखते हुए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे हम वेक्टर के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए वो अच्छे थे, बस केवल क्या था, टाइम की कमी थी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कभी कोई कॉम्पिटिशन हो और जहाँ पर टाइम बाउंडिंग हो आप उससे पहले कम से कम 1 मंथ लगातार आप प्रैक्टिस सेट्स दें, टेस्ट पेपर दें। बट वहाँ पर क्या हुआ था, पेपर ज़्यादा डिसाइडेड नहीं था इसीलिए एकदम से हुआ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम आई कि वो बहुत जितने क्वेश्चंस आते थे उतने वहाँ पे कर नहीं पाए। तो कट ऑफ जितना होना चाहिए था कट ऑफ गिरेगा, वैसे 90 के अराउंड कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन थी, अब अगर 75-78 स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं तो उनका कट ऑफ वहाँ तक पहुँचेगा। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लैग्रेंजीज आइडेंटिटी पे बेस्ड है ये, क्रॉस और डॉट के बीच में रिलेशंस इस्टेब्लिश करती है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के स्क्वायर मॉड भी बोल दें या ना ही बोलें, जनरली हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो यही मानते हैं कि मॉडुलस का स्क्वायर किया गया, तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दोनों के क्रॉस और डॉट के स्क्वायर का सम मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है। ये वैल्यू दी गई 144 और यहाँ पर मॉड ऑफ ए दिया गया 4 तो ये 16 हुआ, मॉड ऑफ बी स्क्वायर तो यहाँ पर आप जान ही रहे 16 आएगा कि 9 आएगा, 9 आ जाएगा तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 9 तो मॉड ऑफ बी बराबर 3। यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए बट मॉडुलस है, मॉडुलस ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसको एज ए 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3। जैसे कि हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर देते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले, क्या ट्रिक लगाने वाले, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, 132 माइनस 123। कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट करेंगे वेक्टर सी का, ए से डॉट कर रहे हैं सी का 130, 2 मतलब बी वेक्टर, माइनस 1 मतलब ए और बी, 2 मतलब बी, तो ए डॉट बी और यहाँ पर सी। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, इस चीज़ को देखते रहें, 1 तो 1 मतलब सी क्रॉस ए का डॉट किससे करने जा रहे हैं, 3 मतलब बी से। ओके, यहाँ से मैच करते रहें तो 132 मतलब ए वेक्टर माइनस 120 तो 120 सी क्रॉस ए डॉट ए और बाहर जाएगा 3 तो मतलब बी। गॉट इट, मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को मैच करा रहे हैं, हमने 1 2 3 लिया, इसको पूरा 1 मान लिया, एक वेक्टर मान लिया पूरा, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो 130 तो 32 123। अब ये हो गया सी ए बी, ये ए हो गया माइनस सी ए ए बी, और जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर समान हो गए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब सी के साथ ए बी तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल ए बी सी ए वेक्टर, तो ये ऑप्शन रहा होगा तो आप उसको टिक कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, 4 वेक्टर्स का क्रॉस करने की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग ना लगा पाए, इसको छोड़ दें, बट बहुत ही ईजी था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पे जरूर यूज़ करेंगे, कोप्लेनर नहीं है इसका मतलब ना ही ए का बी से लैम्डा टाइम्स कुछ होगा ना ही बी का सी से लैम्डा टाइम्स होगा सी,
और ना ही ए बी सी, ये सब ज़ीरो नहीं होंगे, नॉन कोप्लेनर नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, एक प्लेन पर नहीं है, ये पहले से अज्यूम करके चल रहे हैं, और यूनिट वेक्टर हैं, तो मतलब मॉड ऑफ ए जहाँ पर भी आएगा, मॉड ऑफ बी जहाँ पर भी आएगा, मॉड ऑफ सी जहाँ पर आएगा, उसको हम क्या मानने वाले, इतनी चीज़ इतनी सारी कंडीशंस को पहले ही हम लोग अज्यूम कर चुके हैं कि इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना दिया गया है, इतना। अब हम लोग यही सेम चीज़ वहाँ पर जैसे अप्लाई की थी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 132, तो यहाँ ध्यान दें, तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, इसको अलग अलग कर लेते हैं, बी वेक्टर अपॉन रूट टू और सी वेक्टर अपॉन रूट टू, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो इसको जब इधर ले आएंगे, देखिए ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस वन अपॉन रूट टू बी वेक्टर, ठीक है, ये इधर आया तो बी वेक्टर कॉमन हो गया, इसको इधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो ए डॉट बी माइनस प्लस वन अपॉन रूट टू सी वेक्टर। अब जैसा कि आप जानते हैं ए डॉट सी और वन अपॉन रूट टू नंबर है, ये क्या है, और ये भी एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया और ये भी एक नंबर हो गया, कहने मतलब लैम्डा बी वेक्टर बराबर न्यू सी वेक्टर, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होल्ड कर गया तो क्या हो जाएगा, पहले जब ने बोला ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है कि उसने बोला नॉन कोप्लेनर कैसे हैं, तो ऐसा नहीं होना तभी होगा जब ये ज़ीरो हो, इसका स्केलर नंबर क्या हो, ज़ीरो, ए डॉट सी बराबर वन अपॉन रूट टू, तो मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा बराबर वन अपॉन रूट टू, ये वन हो गया तो कॉस थीटा बराबर वन अपॉन रूट टू, तो एंगल कितना 45 हो गया, वही एंगल ए और बी, अगर ए बी के बीच पूछा तो यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ माइनस वन अपॉन रूट टू आएगा, देखिए ए डॉट बी बराबर माइनस वन अपॉन रूट टू, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर माइनस वन अपॉन रूट टू, तो कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन टू निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा, तो 3π/4 135, ए बी के बीच में 135 है और ए सी के बीच में पाई 4 है, तो उसने वहाँ पर ए और बी के बीच में पूछा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले लें जो इस पे आधारित हैं कि नो सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आए थे और इम्पॉर्टेंट थे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सोल्यूशंस ऑलरेडी हम लोगों ने दिए हुए हैं, अब एक एक करके हम लोग जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो अब जब भी मॉड एक्स की बात होती है, मॉडलस की बात होती है, तो हम लोग दो केस लेते हैं, केस फर्स्ट में जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एज ए एक्स रखा जाएगा, और केस सेकेंड में एक्स निगेटिव है, मॉडलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट जो हम लोग रख रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू ले रहे हैं वो निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव, अगर हमने पॉजिटिव डाली है तो वहाँ पर एक्स एज ए पॉजिटिव ही निकल के आएगा, अगर हमने निगेटिव डाला है तो अब उसको पॉजिटिव करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव लिया, तो ये वाला इक्वेशन मॉड एक्स की जगह एक्स रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो जाएगा, जब उसका हम फैक्टर करेंगे तो x प्लस 4 x प्लस 1 आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 4 और माइनस 1 आएगी, जबकि हमने x कैसा लिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव और सॉल्यूशन कैसे आ गया, निगेटिव, तो पहले ही हम अज्यूम कर चुके हैं कि x पॉजिटिव है, मिला कैसा, निगेटिव, तो ये हमारे सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं होंगे, यानी यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब हमने x को निगेटिव कंसीडर किया तो मॉड x की जगह माइनस x रखने जा रहे हैं, मान चुके हैं x कैसा है, निगेटिव, तो हमने जहाँ पर भी मॉड x होगा माइनस x रखेंगे, मतलब मॉड x स्क्वायर किया माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, मॉड x की जगह माइनस x तो माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, जब हमने फैक्टर किया तो x माइनस 4 x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 और 4 आई, आई पॉजिटिव, माना कैसा था, निगेटिव, आनी कैसी चाहिए थी, निगेटिव, आई कैसी, पॉजिटिव, तो ये भी हमारा कंट्राडिक्ट कर गया, तो यहाँ से भी हमें एक भी वैल्यू नहीं मिली, यहाँ से भी नहीं मिली, यानी दोनों केस में एक भी नहीं मिली, तो इसका क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर था एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बेस 4
लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री बेस टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। ध्यान दें इस पे लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बेस पे जो फोर लिखा गया है उसको टू की पावर टू लिखा गया, बाकी हमने एज इट इज लिखा। अब जब भी बेस की पावर जो होती है जब वो आगे आती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। एक्स की पावर जो होती है वो सीधे ऐसे आ जाती है, मतलब दो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स की पावर एन है तो एन लॉग ऑफ एक्स होता है, मतलब ये सीधे आगे आ जाएगी, और लॉग ऑफ एक्स बेस ए की पावर एन है तो वन अपॉन एन लॉग ऑफ एक्स। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये वन अपॉन एन में आती है, ये बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के सारे हम लोगों ने क्या किया, ये आगे रेसिप्रोकल में आ गई, इसको आगे ले गए यहाँ पर, देखिए इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया टू। अब ये पावर इस पर स्क्वायर हो जाएगी, ये पावर ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है, या ये आगे यहाँ पहुँच जाएगी, जो प्रॉपर्टी आगे दिखाई। तो हमने देखा कि जब ये बेस ये यहाँ पहुँच गए ऐसे तो ये समान हो गए, तो ये लॉग लॉग कट गए, एक सिंपल एक्सप्रेशन आ गई, हमने उसको सॉल्व किया, इसको होल स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, यहाँ एक्स माइनस वन, हमने पूरा इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर ये इधर गया तो माइनस सेवन एक्स, इधर गया तो टेन होगा। जब हमने इसका फैक्टर किया तो फैक्टर में आए एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फाइव, तो सोल्यूशन मिले हमें एक्स प्लस फाइव और टू। अब मेन जो हमें दिया गया था हम वहाँ पर रख रहे हैं, जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो जब हम 2 रखने वाले हैं तो यहाँ ध्यान दें, इसमें 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन पॉजिटिव मिल जाएगा, बट 2 माइनस थ्री निगेटिव जाएगा, लॉग में कभी निगेटिव नहीं रख सकते, यहाँ पर 2 रखने पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये सोल्यूशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब x बराबर 5 जब रखने जा रहे हैं तो 5 माइनस वन 4 पॉजिटिव है और 5 माइनस थ्री ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पे वर्क कर रहा है, तो कितना सोल्यूशन हुआ, वन सोल्यूशन, यहाँ कितना इसका आया, वन सोल्यूशन, एक सिंगल सोल्यूशन निकल के आया। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन है, इसको दिया गया है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए टू एन एक्स पावर टू एन। पूछा गया है कि a नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर डॉट डॉट ए टू एन, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन या बाइनोमियल का बोल सकते हैं क्वेश्चन है, बाइनोमियल का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं होता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया गया हो या तो इवन वाले के सम पूछता है या ऑड वालों का सम पूछता है। करना क्या है, आपको एक बार एक्स की वैल्यू वन रख देनी है, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन, देखो वन रखेंगे तो वन माइनस वन और वन, यानी कि ये वन वन कट गया तो वन आ गया, बराबर यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ए नॉट हो जाएगा, यहाँ ए वन हो जाएगा, यहाँ ए टू हो जाएगा, सीधे एक्सप्रेशन बन जाएगी। जब माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन वन वन, ये थ्री की पावर एन हो जाएगा, और माइनस वन रखे रहे हैं तो ए नॉट और माइनस ए वन प्लस ए टू डॉट 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 ऐसे आ गया। अब हमें इवन वाले चाहिए तो देखिए हम क्या करें, सम करें तो सम करने से नेगेटिव ऑड वाले कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वन आ गया, वन प्लस थ्री की पावर एन, ये टू टाइम्स ए नॉट प्लस ए टू डॉट डॉट आ गया। अब यही वैल्यू चाहिए तो ये दो डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन मैच कराएंगे तो थ्री की पावर एन प्लस वन बाई टू ऑप्शन आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है, एक क्वेश्चन ये आया था वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर फाइव और वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर फाइव माइनस थर्टी टू, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर आधारित है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बार जीरो होता है, ओमेगा क्यूब बराबर वन होता है, इसी को यहाँ पे यूज़ किया। इस सोल्यूशन में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं ऐसा है, ठीक है, आंसर जीरो आ रहा है, इसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, केवल क्या यह इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया है, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, मतलब बोनस पॉइंट होते हैं ये। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग सकता है, हो सकता है कि आप फंस जाएं, मगर ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं फंक्शन पे बेसिस। एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब दिया गया है, एफ ऑफ वन निकालना है, तो हम इसको एज ए वाई या टी कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी जो भी यहाँ पे एफ ऑफ जो भी दिया गया है इसको टी या वाई कुछ भी मान लीजिए। अब इसको कोशिश करिए कि इसके टर्म मिलाएं,
इस वाली जो भी एक्सप्रेशन है उसको इसके टर्म में बनाएं। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको तो ऐसे लिखा नहीं दिया, इसको देखो लिखा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू आएगा, यहाँ माइनस टू आएगा ना, तो प्लस टू कर दिया, वन ये एक्स्ट्रा कर दिया। तो देखो ये भी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में आ गया और ये भी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में आ गया, तो यहाँ पे वाई रख दिया और यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये जोड़ा तो थ्री आ गया। इस चीज़ को ये लिखना बहुत ही आसान है, ये आप लिख सकते हैं, केवल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये लाएंगे ऐसे। अब देखो फंक्शन हमारा वाई के टर्म में आ गया, अब वाई की वैल्यू जब वन डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो यहाँ वन होगा, यहाँ वन स्क्वायर प्लस थ्री, तो ओवरऑल कितनी आई, फोर आए, एफ ऑफ वन कितना आ गया, फोर, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे थे, अच्छा पेपर था। तो अब क्वेश्चंस मैट्रिक्स के आए हुए सेक्शन को उठा के हम लोग सॉल्व करते हैं कि मैट्रिक्स में आए हुए क्वेश्चंस कितने आए और कितने इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, तो एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको आप एज अ सम ऑफ टू पार्ट्स, एक पार्ट उसका सिमेट्रिक होगा, एक इसको सिमेट्रिक, दोनों का सम स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो उसका आंसर था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी बुक्स में आप ये देखें तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर थ्री है, वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ना हो, सिंगुलर मतलब जीरो हो, ठीक है, तब आपको निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एक प्रॉपर्टी होती है सीधे, एडजॉइंट ऑफ ए की बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, जहाँ पर एन क्या है उसका ऑर्डर है, तो यहाँ थ्री था तो थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट की पावर फोर आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यूज है, ये मैट्रिक्स दी गई 5 4 1 2, इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला है, शॉर्टकट बोल सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस मॉड ऑफ ए बराबर जीरो। ट्रेस क्या होता है बता दें, डायगनल एलिमेंट का सम, ट्रेस इज डायगनल एलिमेंट का सम, तो ट्रेस ऑफ ए हमने निकाला है, 5 + 2 7 आ गया, मॉड ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10 माइनस 1 × 4 = 4 दैट इज 6 यहाँ पे रख दिया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 7 आया मेरा, 7 लैम्डा प्लस 6 फैक्टर किए, तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 6, यही आइगन वैल्यूज हैं, यही क्या है आइगन वैल्यूज। आप ज़रूर आगे पढ़ लें, ये अगर टॉपिक में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट दिया गया था 1x² x² x² 1x² 1x, तो आपको फंक्शन एज ए फंक्शन दिया गया था, तो फंक्शन में एज ए फंक्शन जो माना गया है क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 1/3, तो आपने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, आप जानते हैं कि रो के अलॉन्ग अगर किया गया तो रो के एलिमेंट उठाते हैं 1, फिर ये लीव किया तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस ये लिया x² - x², ऐसे यहाँ डिटरमिनेंट तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे, आपने सीधे सॉल्व किया तो यहाँ पर -x² + 2x³ - 1, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर हम जब क्यूब रूट ऑफ 3 रखेंगे तो 3 की पावर मैं यहाँ देख लें, x की पावर 6 है तो x की पावर 1/3 की पावर 6 जब करेंगे तो 3 की पावर 6/3 3² दैट इज 9 हो जाएगा, वही 3² लिखा गया -9। अब एक्स क्यूब करेंगे तो 1/3 की पावर 3 तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 किया गया 6 -1 सॉल्व करेंगे तो -4 इसका आंसर है। इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है, अभी हम लोग इसको करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हम लोग रैंक मैथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ली, उसका तरीका हमने बोला कि हम लोग पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं, पेपर का डिस्कशन का मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट उनकी सारी चीज़ों को
जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कशन का मतलब कि ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, उस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो हम बाउंडेड है, मजबूरी है कि आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्वेश्चन पर ही रिजिड रहना होगा। तो यहाँ पर एक लाइन फॉर्म आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में बेसिकली करते क्या है, ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पर इस जो सिस्टम है उसके सारे कोफिशियंट से बनी मैट्रिक्स, 1 2 3 देखिए, 1 2 3 फिर 2 1 3 2 1 3 1 1 2 फिर कॉलन लगाते तो मतलब सेपरेट कर देते हैं और 1 2 1 1 2 3 यहाँ पर बेसिकली क्या था 3। ठीक है, मैट्रिक्स का सिस्टम एक ही मान रहे बट कॉलन लगा के सेपरेट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्लाइन फॉर्म मिलाते हैं, मतलब इनको और इनको हम लोग पाइवोटिंग करेंगे, डायगोनल के नीचे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 2 है तो इसका 2 गुना, तो यही किया गया R2, मतलब दूसरी रो में फर्स्ट वाली रो का 2 गुना घटाया गया। तो देखिए घटाते हैं तो 2 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स करेंगे 1। अब हम लोग R3 को ऑब्जर्व करते हैं, R3 वाली रो को, तो R3 से R1 घटाए, मतलब इस वाली रो को घटाते हैं तो सीधे सीधे घटा दें, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है तो सीधे घटा दें, तो 0 आ गया। 1 से 2 घटाएंगे तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/3 कर देते हैं, मतलब कौन सी सेकेंड रो को। अब हमारे ये 0 1 के पाइवोटिंग हो गई, अब हम लोग इस पर टारगेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, R2 को 1/3 कर दिया, मतलब इसकी एंट्रीज को 1/3, तो यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0। हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो ये -1 + 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -1 + 1 तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ट्रू ही रहेगा। तो अब सिस्टम को हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखो इस वाले सिस्टम को ऑब्जर्व करें, एक रो पूरी 0 हो गई, एक रो 0 होने का मतलब रैंक हमारी इसकी 2 हो गई, और इसकी इसको सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो इसकी ये रो तीनों नॉन ज़ीरो, क्योंकि इसमें भी एक नॉन ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, मतलब रैंक ऑफ ए का मतलब ये ए है, और सी का मतलब पूरा ये सी है। तो जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर नहीं होते तो नो सोल्यूशन आता है। क्या आता है सोल्यूशन, कब आते हैं, जब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी हो, और तो ये सोल्यूशन होंगे, मतलब कंसिस्टेंट होंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब इसके फर्दर 2 केस हैं, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी और नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन मतलब एक्स वाई जेड, मतलब कहने का मतलब एक्स वाई जेड 3, कहने का सी 3 हो, और रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी हो बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो। तो जब ये इक्वल वाला होगा केस तो यूनिक होंगे सोल्यूशन, कैसे होंगे, और यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर कोशिश की गई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए, सोल्यूशंस उनके लाए गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चंस आए थे, जो अभी क्वेश्चंस बचे हुए वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। बट हमने बोला कि एक हमारी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर है कि कॉन्सेप्ट हम इंडिविजुअल टॉपिक जब देते रहेंगे तभी आपको वेट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। आप अगर क्वेश्चंस की क्वालिटी, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते एग्ज़ाम में, हमने यहाँ पर इसके डिस्कस कराया कि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल पे थे, हर एग्ज़ाम में इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करें और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक पे सॉल्व करना है। रियल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, आप बस इसका वेट करते रहिए। ठीक।